ममता कुलकर्णी एक जमाने में गिनी जाती थी ग्लैमरस एक्ट्रेसेस में, पर अफसोस उनके करियर को एक कंट्रोवर्सी ने कर दिया खत्म। तो हुआ ऐसा था कि राजकुमार संतोषी की फिल्म चाइना गेट में काम कर रही थी ममता कुलकर्णी, और अचानक से राजकुमार संतोषी ने उनको फिल्म से बाहर निकाल दिया। जहां राजकुमार संतोषी का कहना था कि उन्होंने ममता को इसलिए निकाला क्योंकि वो कैरेक्टर में जच नहीं रही थी, वहीं ममता कुलकर्णी और उनकी फैमिली ने उन पर इल्जाम लगाया कि क्योंकि ममता कुलकर्णी नहीं सोई राजकुमार संतोषी के साथ, इसलिए गुस्से में आकर डायरेक्टर ने उठाया था वो कदम। ममता कुलकर्णी फिर सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन में गई और मांगी 1 करोड़ की भरपाई। उस समय आशा पारेख सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन को कर रही थी हेड, और उन्होंने दिलासा दिया कि ममता को कुछ पैसा तो जरूर मिलेगा। पर इसके बाद ममता कुलकर्णी को काम मिलना बिल्कुल बंद हो गया और उनका करियर हो गया खत्म। ये एक तरह से पहला केस था जिसमें एक्ट्रेस ने अपने साथ हुए कास्टिंग काउच के इंसिडेंट को किया शेयर, पर अफसोस उस समय ममता के सपोर्ट में कोई भी नहीं आया। तनुश्री दत्ता के साथ भी जब सेक्सुअल हैरेसमेंट की घटना घटी थी 10 साल पहले, वो भी मीडिया में आई थी, पर उनकी बात दब गई और अब तनुश्री ने वापस पुराने पन्ने खोले हैं और मांगा है इंसाफ। खैर अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ है, पर 2 आई विटनेसेस खुलकर आए हैं सामने और इंडस्ट्री से भी मिल रहा है तनुश्री को सपोर्ट, और कुछ पुरानी फुटेजेस भी हो रही है रीसरफेस जिसमें तनुश्री दत्ता की गाड़ी के साथ हुई तोड़फोड़ आई है नजर, और एक गणेश आचार्य का इंटरव्यू भी हुआ वायरल जिसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि तनुश्री ने उन पर और नाना पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का लगाया है इल्जाम। तो आपका क्या कहना है इन दोनों औरतों के साथ हुए इन इंसिडेंट्स पर, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।